हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सी रजनी अग्रवाल। आप सब लोग कैसे हो? तो आज मैं आप लोगों के लिए ऑडिट सीरीज़ की एक और नई वीडियो लेकर आई हूँ, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि जब भी हम बिग फोर्स में या कहीं पर भी ऑडिट करते हैं तो हम एक्सपेंसेस की चेकिंग कैसे करते हैं। तो आज की जो वीडियो होगी कम्प्लीटली एक्सपेंसेस पे होगी कि एक्सपेंसेस की चेकिंग कैसे होती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी कि जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं एक काउंसलिंग सेशन स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें मैं आप लोगों से कॉल पे बात करूँगी। आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, या आप किसी भी चीज़ से डर रहे हो, कोई भी चीज़ फेस कर रहे हो, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो और मैं आपकी हेल्प करूँगी उसके अंदर टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। तो उसका रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा मिला। आप में से बहुत सारे बच्चों ने मेरे से बात करी, तो उसके लिए मुझे नहीं लग रहा था कि इतनी ज़्यादा ज़रूरत होगी, बट सीरियसली उसका रिस्पांस देख के लगा कि आप में से काफ़ी सारे बच्चों को ज़रूरत थी काउंसलिंग सेशन की। अभी तक जिन लोगों को नहीं पता है, मैं उन लोगों को भी बताना चाहूँगी कि मैंने काउंसलिंग सेशन स्टार्ट करा है। उसके लिए मेरा नंबर है 8860064166 0। मैं नंबर दोबारा रिपीट करती हूँ, 8860064166 0। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग अपना काउंसलिंग सेशन की टाइमिंग अरेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, क्योंकि बेसिकली हम उसी के बारे में आज ऑडिट करना सीखेंगे। देखो, एक्सपेंसेस को हम कहाँ रिफ्लेक्ट करते हैं? अपने P&L के डेबिट साइड पर रिफ्लेक्ट करते हैं। और जो हमारे मोस्टली एक्सपेंसेस होते हैं, 90% ऑफ द एक्सपेंसेस होते हैं, वो रनिंग नेचर के होते हैं, कि वो रेगुलर होते रहते हैं। मेजर एक्सपेंसेस जो होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे रेंट हो सकता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो सकता है, ट्रैवलिंग हो सकता है, कन्वेंस हो सकता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो सकता है, लीगल एंड प्रोफेशनल हो सकता है, एंड और भी बहुत सारे टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं। हम आज बेसिकली जो ये वाले एक्सपेंसेस है, थोड़े सा इनके बारे में डील करेंगे, और जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी ना, उसके अंदर जैसे मैं जब पेरोल के बारे में आपको सिखाऊंगी ऑडिट के, कि पेरोल का ऑडिट कैसे होता है, तब मैं आपको सैलरी एंड वेजेस हम लोग वहाँ पे कवर अप करेंगे, ठीक है। और डेप्रिसिएशन तो मैंने ऑलरेडी कवर अप कर दिया था अपनी PPE वाली वीडियो के अंदर, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि जो ये एक्सपेंसेस होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, ये जनरली शॉर्ट टर्म नेचर के होते हैं, रिकरिंग नेचर होता है कि बार बार होएंगे, और इनका रिस्क, अगर हम एज एन ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए रिस्क कैसा हो सकता है। देखिए, जो एक्सपेंसेस उसमें दोनों टाइप का रिस्क हो सकता है, ओवर स्टेटमेंट का भी रिस्क हो सकता है और अंडर स्टेटमेंट का भी हो सकता है। अगर हम अपने प्रॉफिट को कम करना चाहते हैं, हम अपना टैक्स बचाना चाहते हैं, तो जनरली कोई कंपनी अगर ऐसा करना चाहती है तो वो अपने एक्सपेंसेस को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश करेगी, तो वो होता है ओवर स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस का रिस्क। और अगर कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अपनी फाइनेंशियल पोजिशन अच्छी दिखाना चाहती है, तो वो अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा सा अनजस्टेड करके रखेगी। तो यहाँ पे जो एक्सपेंस यहाँ पे अगर हम जो रिस्क सोचे कि एक्सपेंसेस में रिस्क क्या हो सकता है, तो वो बोथ हो सकता है, ओवर स्टेटमेंट का भी रिस्क हो सकता है और अनजस्टेडमेंट का भी रिस्क हो सकता है। तो अब देखो, जब भी हम किसी चीज़ को ऑडिट करते हैं ना, तो उसकी एजर्शंस होती है, जैसे आप लोगों ने पहले वाली वीडियोस में देखा होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस आइटम की भी एजर्शंस होती है और बैलेंस शीट की भी एजर्शन होती है। एजर्शन क्या होती है, इन लेमन लैंग्वेज बोलेंगे तो, कि जब हम किसी भी एक्सपेंस को चेक कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्या चीज़ें हैं जो हमें चेक करनी चाहिए। जो अब जैसे मैं आपको समझाती हूँ, जैसे एजर्शंस पहले तो हम देखते हैं कि जो एक्सपेंस है ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आइटम है, ओके। तो इससे रिलेटेड कौन सी अजर्शंस होती है? इससे रिलेटेड अजर्शंस होती है जैसे अकरेंस, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, क्लासिफिकेशन एंड कट ऑफ। बट इन वर्ड से समझ में नहीं आता, तो सबसे पहले अकरेंस का मतलब क्या होता है? अकरेंस का मतलब बेसिकली ये चेक करना टू इंश्योर दैट एक्सपेंस हैज़ बीन एक्चुअली इनकर्ड और नॉट। सपोज आप लोगों के पास एक वाउचर आ गया, उसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आ गई, बट ऐसा तो नहीं है कि वो फेक एक्सपेंस है, एक्चुअल में एक्सपेंस इनकर हुआ ही नहीं है, बट वो एक्सपेंस आ गया है। तो फर्स्ट हमारी अजर्शन होती है अकरेंस की, क्या उस एक्सपेंस की ज़रूरत भी थी,
दूसरी assertion क्या होती है हमारी accuracy. accuracy के अंदर हम चेक करते हैं टू इंश्योर दैट एक्सपेंस जो कि रिकॉर्ड हो रहा है वो एज पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है या नहीं. सपोज अगर हमारे पास किसी एक्सपेंस की इनवॉइस आई उसमें वैल्यू 10,000 है तो ऐसा तो नहीं है कि जो एक्सपेंस बुक हो गया है बुक्स के अंदर वो 12,000 से बुक हो गया है या फिर 8,000 से. तो दूसरी हो गई हमारी एक्यूरेसी. तीसरा हम चेक करते हैं हमारी दर्शन कंप्लीटनेस. उसके अंदर हम क्या इंश्योर करते हैं टू इंश्योर ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं हैव बीन रिकॉर्डेड एंड देयर इज नो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी. कंप्लीटनेस मतलब जितने भी एक्सपेंसेस हुए वो सारे के सारे रिकॉर्ड हो गए हैं या नहीं. ऐसा तो नहीं है कि कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड रहना रह गया हो. चौथी हमारी assertions कौन सी होती है. चौथी होती है हमारी क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन के अंदर हम ये चेक करते हैं कि जो हमारा एक्सपेंस है वो करेक्ट हेड के अंदर जा रहा है या नहीं. और पांचवी हमारी लास्ट assertion होती है कट ऑफ कि जो एक्सपेंस जिस पीरियड से रिलेट करता है वो उसी पीरियड में बुक होता है या नहीं. देखो ये आपको पता भी होगा जैसे जब हम इंश्योरेंस का एक्सपेंस बुक करते हैं तो जनरली हम अगर इंश्योरेंस मिड ऑफ द ईयर लेते हैं तो वो नेक्स्ट ईयर में भी उसका कुछ पोर्शन जा रहा होता है तो हम उसको जितना पोर्शन नेक्स्ट ईयर के लिए होता है उसको प्रीपेड में कर देते हैं और जो इस साल का होता है उसको करेंट ईयर में डालते हैं. तो बेसिकली ये एक कट ऑफ कि जिस पीरियड का एक्सपेंस है वो उसी पीरियड के अंदर बुक होना चाहिए या नहीं चाहिए. तो ये चीज़ें बेसिकली हम इंश्योर करते हैं जब हम ऑडिट करते हैं और एक्सपेंसेस को देख रहे होते हैं. अब देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई एक्सपेंस करेंगे तो हमने अपनी लास्ट वीडियोस में ये भी दिखा था कि हम वॉक थ्रू मतलब अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में समझना चाह रहे हैं तो हमको वॉक थ्रू करना बहुत ज़रूरी है. वॉक थ्रू के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एक्टिविटी एंड द एनवायरनमेंट कि हम जिस एक्टिविटी के बारे में जैसे हम एक्सपेंसेस है एक्सपेंसेस का हम ऑडिट स्टार्ट कर रहे हैं तो हम पूछेंगे ना अपने मतलब जो भी मैनेजमेंट होगी उनसे कि अच्छा एक्सपेंसेस का तरीका क्या होता है क्या पॉलिसीज होती है कुछ मतलब किस तरीके से होता है. फिर हमने ये बिजनेस एक्टिविटी को समझा फिर हम देखेंगे कि क्या कंट्रोल इन्वायरमेंट मतलब उस एक्सपेंस को करने के लिए कंपनी ने या मैनेजमेंट ने क्या कंट्रोल लगाए हुए हैं. अच्छा हमने देख लिया कि कंट्रोल लगाए हुए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो कंट्रोल लगाए हुए हैं क्या वो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के साथ काम कर रहे हैं या नहीं. और जब हम देख लेते हैं कि अच्छा ठीक है कंट्रोल काम कर रहे हैं या कंट्रोल काम नहीं कर रहे क्योंकि जब हम कंट्रोल चेक करते हैं उसी के बेस पे डिपेंड होता है कि हमने जो टेस्ट ऑफ डिटेल करना है हमने चेकिंग कितनी करनी है. सपोज करो हमने देखा एक बिजनेस एक्टिविटी कि ये एक्सपेंस हमने देखने हैं तो ये एक्सपेंस इस तरीके से होता है. हमने फिर उसके ऊपर कंट्रोल देखे कि अच्छा कंट्रोल ये कंट्रोल मैनेजमेंट ने लगाए हुए हैं और कंट्रोल अच्छे से काम कर रहा है. तो जब हम चेकिंग करेंगे एक्सपेंसेस की तो हमें थोड़ा सा लेस चेकिंग करनी पड़ेगी. और अगर हमने देखा कि यार कंट्रोल है बट अच्छे से काम नहीं कर रहे ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस से काम नहीं कर रहे तो हमारे को ज़्यादा चेकिंग करनी पड़ेगी. तो क्योंकि हमारा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बढ़ जाएगा. उसके बाद हम सब्सटेंसिव प्रोसीजर बेसिकली सब्सटेंसिव प्रोसीजर क्या होता है हम वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन करते हैं देन रिपोर्टिंग करते हैं कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग. तो वो वॉक थ्रू है वो आपने मैंने और भी जो वीडियो बताई है ना उसके अंदर आपने सीखा हुआ होगा. क्योंकि हर समय मतलब जब भी हम जिस भी आइटम का ऑडिट करते हैं तो हमारे को वॉक थ्रू उसका देखना पड़ता ही है. अब हम एक्सपेंस का ऑडिट कर रहे हैं. अब सपोज करो मैं रेंट एक्सपेंस को पकड़ती हूँ तो सबसे पहले मेरे को ये सोचना पड़ेगा कि अच्छा इसमें क्या मिसस्टेटमेंट हो सकती है रिस्क मतलब क्या रिस्क हो सकता है कि इसके अंदर. देखो रेंट के अंदर एक तो ये रिस्क हो सकता है कि जो एक्सपेंस है वो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग नहीं बुक हो रहा. सपोज रेंट बुक हो रहा है 40,000 पर मंथ बट जब हमने एग्रीमेंट देखा तो वहाँ पे जो रेंट था वो 45,000 था या फिर जो रेंट था सपोज करो 1st October से रेंट इंक्रीज हो रहा था बट जब हम बुक्स के अंदर देख रहे हैं तो बुक्स में तो ओवर द पीरियड रेंट सेम ही आ रहा है. तो एक तो रिस्क हो सकता है रेंट के केस में कि जो एक्सपेंस है वो इन नॉट विद नॉट मैच विद द एग्रीमेंट. तो उसको हम चेक कैसे करेंगे. हम जब भी रेंट एक्सपेंस को चेक करेंगे तो सबसे पहले हम उनसे बोलेंगे कि भाई हमारे को अपने सारे के सारे रेंट एग्रीमेंट दे दो. और उसके साथ देखो जब भी हम रेंट का एक्सपेंस चेक करते हैं तो अगर हम सपोज कोई नई प्रीमाइसेस रेंट पे लिए तो हमने उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा कराई होगी. तो आप ये भी इंश्योर करो कि एग्रीमेंट में जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आ रही है कि
आ रही है वही सिक्योरिटी डिपॉजिट आपकी एसेट साइड पे आ रही है या नहीं आ रही, और उसको फिर बैंक स्टेटमेंट से कंफर्म भी करो कि भाई जब फर्स्ट रेंट गया होगा तो उसमें रेंट भी गया होगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट का पार्ट भी गया होगा। तो बेसिकली हमको ये सारी चीज़ें मैच करने के, एक तो हमारा जो रेंट का एक्सपेंस है वो एग्रीमेंट से मैच करना चाहिए, पेमेंट सारी बैंक स्टेटमेंट से मैच होनी चाहिए, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो भी एग्रीमेंट से मैच होनी चाहिए, उसकी भी पेमेंट हुई भी होनी चाहिए। और सपोज कोई आपने कोई कंपनी ने कोई प्रिमाइसेस या कोई छोड़ दी, मतलब उसका एग्रीमेंट क्लोज हो गया, तो आप ये देखो कि क्या आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट थी वो रिकवर हुई है या नहीं हुई है, तो वो सब चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेगी। और इसके अंदर दूसरा रिस्क ये भी हो सकता है कि एक्सपेंस जो रेंट का एक्सपेंस है पूरे साल का ही बुक नहीं हुआ, तो आपको वो भी चेक करना चाहिए कि पूरे साल का रेंट एक्सपेंस बुक हुआ। अब रेंट के अंदर हम एक और चीज़ चेक कर सकते हैं, देखो सपोज करो एक कंपनी ने दो प्रीमाइसेस रेंट पे ले हुए, एरिया सेम ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एरिया में, मतलब जो लोकेलिटी जिस लोकेलिटी में उन्होंने प्रीमाइसेस को रेंट पे लिया हुआ है वो सेम ही है, एक उन्होंने रिलेटेड पार्टी से ली हुई है और एक उन्होंने नॉर्मल तरीके से आउटसाइडर से लिया हुआ है, और एरिया जो है दोनों का ऑलमोस्ट एरिया सेम है, बट जब आप रेंट एक्सपेंस देखते हो तो जो आपने अपने अननोन पार्टी से लिया हुआ है रेंट एक्सपेंस उसका पर मंथ रेंट जा रहा है 50,000, और वहीं आपने जो रिलेटेड पार्टी से प्रीमाइसेस ली हुई है उसका रेंट आप पे करो 90,000। तो आपको ये चेक करना चाहिए कि अच्छा जो रेंट एक्सपेंस है वो इतने इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्या प्रीमाइसेस का फ़र्क है? ऐसा तो नहीं है कि भाई एरिया और सब कुछ तो सेम था लेकिन जस्ट बिकॉज कि आपने अपनी रिलेटेड पार्टी से प्रीमाइसेस रेंट पे ली हुए तो आप उनको एक्सेस रेंट पे कर रहे हो। कई बार ऐसा होता है ना कि दो साथ की बिल्डिंग ली हुई है एक रिलेटेड पार्टी से एक नॉन रिलेटेड से, बट देखो अगर दोनों बिल्डिंग साथ में तो ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए ना रेंट के अंदर, तो वो चीज़ भी आप चेक करो। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंस हम देखेंगे कौन सा हो सकता है, लीगल एंड प्रोफेशनल। अब देखो लीगल एंड इसमें भी रिस्क दोनों तरीके का हो सकता है, ओवर स्टेटमेंट ऑफ अंडर्स और अंडर स्टेटमेंट। अब लीगल एक्सपेंस में हम कैसे चेक कर सकते हैं, देखो जब हम किसी से भी कोई भी ऐसी सर्विसेज लेते हैं लीगल और प्रोफेशनल, तभी भी एक एग्रीमेंट बनता है कि जो भी वो प्रोफेशनल पर्सन है वो कितने आवर्स अपने डिवोट करेगा हमारे काम के अंदर, वो किस तरीके से हमारे काम को करेगा। तो बेसिकली इसमें रिस्क क्या हो सकता है, अंडर या फिर ओवर स्टेटमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंस इन डिग्री ऑफ सर्विस एग्रीड। सब मतलब उसने बोला था कि वो हमारे को सर्विस देगा, किस तरीके सर्विस देगा, वो वीक में 3 डेज आएगा या फिर वो 5 आवर्स वर्क करेगा एक दिन के अंदर, बट जब ये उसने एग्री करा था बट जो उसने सर्विस दी है उसको आना चाहिए था 1 वीक में 3 टाइम, बट वो 1 वीक में 2 टाइम्स आया, 2 डेज आया है, और उसको सर्विस देनी चाहिए थी 1 दिन में 5 आवर्स की और वो सिर्फ 3 आवर्स की सर्विस दे रहा है। तो आप ये देखो एग्रीमेंट में जो लिखा था, बट उसने जब उसने बिल रेज करा, देखो बिल के अंदर वो लिख के देगा कि उसने कितने कितने दिन कितने कितने घंटे काम करा, तो आपको एग्रीमेंट से मैच करना ज़रूरी है कि हाँ भाई जो एक्चुअल सर्विस उसने दी है और जो हमें मिलनी चाहिए थी क्या उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है। तो इस तरीके से बेसिकली हमारे को लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस को चेक करना है। अब उसके बाद रही बाकी सारे जर्नल एक्सपेंसेस के बारे में, तो आप मैनेजमेंट से आप पूछ सकते हो कि अच्छा बाकी एक्सपेंसेस करने का क्या तरीका होता है, क्या कोई ऑथराइजेशन लेना पड़ता है? तो ऐसे काफ़ी सारे एक्सपेंसेस के लिए ऑथराइजेशन लिए जाते हैं, तो आप देखो कि जो भी एक्सपेंस हो रहा है उसके साथ ऑथराइजेशन लेटर अटैच है या नहीं, और आप ये देखो कि उनकी जो पेमेंट हो रही है रेगुलर बेसिस पे हो रही है या नहीं, और सही तरीके से कैपिटलाइजेशन मतलब रेवेन्यू का अगर वो एक्सपेंस है तो वो रेवेन्यू के नेचर में जा रहा है या नहीं, और अगर वो कैपिटल का एक्सपेंस है तो वो कैपिटलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। और इसमें हम क्या देख सकते हैं, और अब जैसे देखो ट्रैवलिंग के एक्सपेंस में हम क्या देख सकते हैं, देखो हर कंपनी की ना पॉलिसीज होती है कि वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस को रिम्बर्स करते हैं, तो आप उसकी पॉलिसीज़ को चेक करो कि अच्छा एक्सपेंस करने की पॉलिसी क्या है, फिर जब भी कोई पर्सन अपना एक्सपेंस क्लेम करता है तो क्या वो अप्रूव हुआ हुआ है या नहीं, उसके अंदर जो डिस्टेंस चार्ज हुआ हुआ है आपको चेक करना है डिस्टेंस एंड रेट, कि जिस बंदे ने उस एक्सपेंस को अप्रूव करा है क्या उसने ये वेरीफाई करा है नहीं, कि जिस बंदे ने रिम्बर्समेंट के लिए एक्सपेंस डाला था उसने सपोज करो वो एक जगह से दूसरी जगह गया, वहाँ का जो किलोमीटर्स था वो 20 किलोमीटर्स था
और कंपनी की पॉलिसी होती है कि हम अगर आपके पास ओरिजिनल बिल नहीं है तो हम आपको 10 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से रिमबर्स करेंगे। तो उसने फेक बिल एक तरीके से लगा रखा है, उसने 20 किलो, उसने होना चाहिए था 20 किलोमीटर्स × 10 रुपीज़ 200, लेकिन उसने क्या करा है किलोमीटर्स के अंदर गड़बड़ी करी हुई है। हमने मैप पे देखा कि भाई इधर इस पिन से इस पिन तक अगर किलोमीटर्स का डिस्टेंस देखा जाए तो 20 किलोमीटर्स है, बट उसने 35 किलोमीटर्स डाल रखा है। देखो 4-5 किलोमीटर्स का डिस्टेंस हो सकता है, फ़र्क हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, लेकिन 15 किलोमीटर्स का तो डिफरेंस नहीं हो सकता ना। तो बेसिकली ये चीज़ चेक करनी है कि क्या जो एम्प्लॉय ने रिम्बर्समेंट डाली है उसमें जो उसने किलोमीटर्स डाले हैं वो ठीक डाले हैं, और रेट तो चलो कंपनी का ही होगा कि कंपनी ने डिसाइड करा होगा। बेसिकली हमें ये देखना है कि कोई एम्प्लॉय फेक एक्सपेंसेस ना डाले, फेक रिम्बर्समेंट ना डाले, तो ये चीज़ हमें चेक करनी है। और जब भी अगर कोई भी एक्सपेंसेस रिलेटेड पार्टी से हो रहा है तो उसमें हमें ये इंश्योर ज़रूर करना है कि वो आम लेंथ प्राइस पे हो रहा है या नहीं। अगर हम किसी नॉन रिलेटेड पार्टी से भी वो एक्सपेंस करते हैं तो क्या सेम प्राइस, मतलब इतना ही प्राइस होता ना, ऐसा तो नहीं है कि ओवर, मतलब हम अपने रिलेटेड पार्टी को ज़्यादा प्राइस पे कर रहे हैं। तो बेसिकली ये चीज़ें हमारे को चेक करनी पड़ती है। अब इसके लिए जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो प्रैक्टिकली हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो भी एक्सपेंसेस हुए हुए हैं हम क्लाइंट को बोलेंगे कि आप हमें लेजर डम दे दो उस फाइनेंशियल ईयर का। सपोज करो हम ऑडिट कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 की, तो हम उस पर्टिकुलर एक्सपेंस से रिलेटेड उसका लेजर डम मांग लेंगे पूरे साल का। फिर हम उसमें से कुछ सैंपल सेलेक्ट करेंगे हाई वैल्यू के हिसाब से कि सपोज हमने रेंट एक्सपेंस ही देखा या हमने कोई और भी एक्सपेंस देखा तो हमने हाई वैल्यू लगा ली कि हाई वैल्यू के एक्सपेंसेस कौन, मतलब हाई वैल्यू की ट्रांजेक्शन दे ली। फिर हमने उन हाई वैल्यू की ट्रांजेक्शन से रिलेटेड सपोर्टिंग मांगी, बेसिकली वो उसके अंदर एग्रीमेंट दे सकते हैं, इनवॉइसेस दे सकते हैं या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट दे सकते हैं जो उनको लगता है कि मतलब ऑडिटर को ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर हम अपना वाउचिंग और वेरिफिकेशन स्टार्ट करेंगे कि हमने जो सैंपल सिलेक्ट करे थे और जो हमारे पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आए हम उनको चेक करेंगे कि क्या जो डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही इन्होंने बुक्स के अंदर एंट्रीज पास करी है या नहीं। और अगर हमारे कोई भी उस फिर ऑब्जर्वेशन निकलेगी तो हम सबसे पहले तो देखो सीधा रिपोर्ट नहीं करते, हम मैनेजमेंट के पास जाएंगे कि अच्छा ऐसा क्यों हुआ हुआ है, यहाँ डॉक्यूमेंट्स में तो ये है लेकिन आपने बुक्स में ये करा हुआ है। तो हो सकता है कि काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर भी हो जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली था हमारा एक्सपेंस रिलेटेड। अब मेरे को आपको इसके अंदर एक चीज़ और आपको बतानी है कि जब भी कोई हमारा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस डेबिट होता है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट क्या होता है, या तो देखो हम कैश में पेमेंट कर देते हैं या फिर हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो हमें उसको भी चेक करना है कि जो एक्सपेंस है वो बैंक से पे हो रहा है या नहीं, और अगर वो पे नहीं हो रहा, लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो हमें ये देखना है कि वो कितने टाइम से ड्यू है। मतलब हमारे को एजिंग करनी, जैसे हम देखो क्रेडिटर की एजिंग करते हैं एक तरीके से, जो एक्सपेंस के अगेंस्ट भी तो हमारे क्रेडिटर्स ही बनते हैं, तो हमें इनकी एजिंग भी देखनी है कि कौन से ऐसे क्रेडिटर्स हैं जिनकी पेमेंट मतलब कितना ड्यूरेशन से पेंडिंग हो रहा है, बिकॉज एजिंग करनी बहुत ज़रूरी है। देखो वैसे तो यही होता है कि 30 डेज के अंदर पेमेंट हो जाती है, लेकिन अगर हमने किसी कोई एक्सपेंस करा हुआ है लेकिन उसकी पेमेंट हमने 1 साल 2 साल से नहीं करी हुई, तो मैनेजमेंट से आपको पूछना है कि ऐसा क्यों, मतलब